ये कह के खट्टर साहब बच नहीं सकते कि मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की साजिश के तहत डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रायोजित हरियाणा की हिंसा है। वहीं अनिल विज मनु मानेसर का बचाव कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को खुली तलवारें हथियार देकर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भेज दिया। ये डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा पर धब्बा लगाया जिसका बदला हरियाणा के लोग लेंगे। हरियाणा को मणिपुर पार्ट टू कहा जा रहा है कि हरियाणा अब मणिपुर पार्ट टू होने जा रहा है। देखिए मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की साजिश के तहत डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रायोजित हरियाणा की हिंसा है। मणिपुर से ध्यान भटकाना है, अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को खुली तलवारें हथियार देकर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भेज दिया। ये वो हरियाणा है जो आजादी के 75 सालों में धार्मिक आग में कभी नहीं जला। ये डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा पर धब्बा लगाया जिसका बदला हरियाणा के लोग लेंगे। ऐसा लगातार कहा जा रहा है कि हमने तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी, उन्होंने साजिश कर ली थी पहले से। हरियाणा की सरकार को सारी जानकारी थी कि ये यात्रा होगी क्योंकि उन्हीं के संगठन थे और यात्रा में हिंसा होगी ये भी था, लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, उसे जलने दिया गया। ये कह के खट्टर साहब बच नहीं सकते, उनके पास पर्याप्त पुलिस नहीं थी। वहीं अनिल विज मनु मानेसर का बचाव कर रहे, तो पता लगता है कि ये लोग तो ये थी हमारे साथ अलका लांबा, जिन्होंने साफ तौर पर हरियाणा के में जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई है, उस पर खुलकर बातचीत की, जो है सरकार को घेरने का काम करी। यहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा है आदिवासी बचाओ, उसके लिए यहाँ पर तमाम लोग जो है पूरे देश भर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसी में इन्होंने भी भाग लिया है। जिस तरीके से आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरीके से जो है आदिवासियों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहे और मध्य प्रदेश में जो घटना हुई वो सब आपने देखा ही, तो उसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उपस्थित हुए हैं। उसी में अलका लांबा भी शामिल हुई थी और आपने साफ तौर पर सुना क्या कुछ उन्होंने जो नूह में घटना हुई है उसको लेकर साफ तौर पर हरियाणा के सरकार पर जो है निशाना साधते हुए नजर आए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ड्यूटी ग्रीज जनहित आवाज़।